तो दोस्तों, जैसे कि Flipkart और Amazon पर बिग सेविंग डेज और ग्रेट समर सेल चल रही है, जिनमें आपको स्मार्टफोन्स पर तगड़े तगड़े डिस्काउंट देखने मिल रहे हैं। तो इसी को देखते हुए आज के वीडियो में हम 7000 के प्राइस रेंज में आने वाले टॉप 5 बेस्ट फोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको पावरफुल प्रोसेसर के साथ मिल जाएंगे, जिससे आपको फोन में हैंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही ये फोन बेस्ट कैमरा क्वालिटी भी लेके आएंगे। इसके अलावा इस लिस्ट में हमने एक 5G फोन को भी इंक्लूड किया है। तो अगर आपको 7000 में कोई 5G फोन लेना हो तो आप उस फोन को ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सेल के ऊपर अभी और भी वीडियोस आने वाली है। तो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है आईटेल A70 स्मार्टफोन। दोस्तों, आईटेल का ये फोन अमेज़न की ग्रेट समर सेल पर काफी अच्छे डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिलता है यूनिसॉक T603 प्रोसेसर, जो एक डिसेंट चिपसेट है और डे टू डे के काम इसमें आप आराम से कर पाएंगे। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का AI लेंस मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.6 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का और ब्राइटनेस 500 निट्स की मिल जाती है। बैटरी की बात करें तो ये फोन 5000 mAh की बैटरी लेके आता है। इसके अलावा इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड मिल जाता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ जाते हैं, तो ये फोन आपको अमेज़न की ग्रेट समर सेल पर सिर्फ 6119 में ही मिल जाता है। सो नंबर 4 पर है रियलमी नार्जो N53 स्मार्टफोन। दोस्तों, अगर आपको इस बजट में Realme का कोई ऐसा फोन लेना हो जिसमें अच्छी खासी कैमरा क्वालिटी मिल जाए, तो ये फोन आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होगी। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है यूनिसॉक का T612 प्रोसेसर, जो इस बजट का काफी पॉपुलर प्रोसेसर है और इसे कई फोन्स में यूज किया गया है। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 15 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा एक AI लेंस मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का मिलता है, और इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.74 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, जो कि काफी अच्छी डिस्प्ले है, और ये डिस्प्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और फास्ट चार्जिंग ये 33 वाट की लेके आता है। इसके अलावा इस फोन में भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड मिलता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं, तो ये फोन आपको अमेज़न की ग्रेट समर सेल पर 7200 में मिल जाता है। सो नंबर 3 पर है पोको M6 5G स्मार्टफोन। दोस्तों, अगर आपको इस रेंज में कोई 5G फोन लेना हो तो पोको का ये फोन आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस होगी। साथ ही ये फोन प्रोसेसर वाइज भी तगड़ा है। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिलता है MediaTek Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर, जो गेमिंग पर्पस से भी बहुत अच्छा है। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 15 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा 0.08 मेगापिक्सल का AI लेंस मिल जाता है, और सेल्फी कैमरा इसमें 5 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.74 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का, ब्राइटनेस 450 निट्स की और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, और गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन होने के कारण इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और चार्जिंग 18 वाट की लेके आता है। इसके अलावा इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड मिलता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 4GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं, तो ये फोन आपको Flipkart की बिग सेविंग डे सेल पर 8000 में मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली फोन 10000 से भी ऊपर में मिलता है। सो नंबर 2 पर है Redmi 13 से स्मार्टफोन। दोस्तों, Redmi के फोन अपनी ब्रांड वैल्यू और तगड़े फीचर्स के लिए जाने जाते हैं, तो अगर आपको इस बजट में किसी Redmi के फोन को लेना हो तो आप Redmi 13 को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा Redmi का ये फोन कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको प्रोसेसर और कैमरे दोनों ही क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिल जाता है MediaTek Helio G85 प्रोसेसर, जो गेमिंग पर्पस से भी काफी अच्छा है। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 15 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और तीसरा कैमरा 0.8 मेगापिक्सल का AI लेंस मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो ये फोन 6.74 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का मिल जाता है। इसके अलावा इसमें 450 निट्स ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, और गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन इस बजट में सिर्फ यही फोन ला के देता है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी फोन बेस्ट होने वाला है, और फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें साइड माउंटेड मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है और फास्ट चार्जिंग इसमें 18 वाट की दी गई है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ जाते हैं, तो ये फोन आपको Flipkart के बिग सेविंग डे सेल पर 7700 में मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 के स्मार्टफोन के बारे में, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नंबर 1 पर है हमारी लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन Moto G24 Power। दोस्तों, Motorola का ये फोन इस बजट में मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि ये फोन काफी अच्छे फीचर्स के साथ आता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिल जाता है MediaTek Helio G85 प्रोसेसर, जो MediaTek का काफी अच्छा प्रोसेसर और डे टू डे के काम इसमें आप स्मूथली कर पाएंगे। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे सेटअप दिया गया है, जिसमें मेन कैमरा 15 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का
माइक्रोलेंस मिल जाता है और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है और इसकी फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग में मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.56 इंचेस की आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले मिलती है जिसमें रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का मिल जाता है। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो ये फोन 6000 एमएएच की बैटरी लेके आता है और फास्ट चार्जिंग इसमें 30 वाट की मिल जाती है जो कि काफी अच्छी बात है। इसके अलावा इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड और लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 14 भी मिल जाता है। तो फाइनली इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको फ्लिपकार्ट की सेल पर 8000 में मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी डील है।